नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ऑटो जोन में। दोस्तों मैं योगेश शर्मा, दोस्तों आज आपके सामने खड़ी है दी ऑल न्यू महिंद्रा थार 4x2 ऑटोमेटिक पेट्रोल में। दोस्तों गाड़ी एम स्टैलियन जो इंजन है गाड़ी के साथ जाता है वो आपके सामने खड़ी है, व्हाइट कलर में गाड़ी है। तो दोस्तों जो इसकी दोस्तों मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसको आपने बहुत प्यार दिखाया, तो ऊपर जो कमेंट्स आ रहे थे ये आ रहे थे कि जिसमें जो शोरूम से ही जो एक्सेसरीज जो इंस्टॉल की, जैसे कि आपने देखा कि ये ग्रिल वगैरह है, हेडलाइट देखोगे तो उसमें दोस्तों कुछ जो चीज़ें थी वो इंस्टॉल करा रखी थी, तो उसका दोस्तों आपने जो है प्राइस वगैरह पूछे थे कि जो क्या था। तो आज दोस्तों उस प्राइस के लिए ही जो मैंने डेडिकेटेड जो है एक वीडियो जो है आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो ए टू जेड जो दोस्तों जो चीज़ें हैं गाड़ी में इंस्टॉल की जा चुकी है, यानी कि जो शोरूम से इंस्टॉल हुई हैं उनकी दोस्तों एक यानी कि डिटेल में आपको जो है प्राइसिंग बताने वाला हूं, तो बस आपको जो वीडियो में बने रहना। दोस्तों बात करते हैं इसके शुरुआत से, तो प्रॉपर देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी में जो ग्रिल वगैरह है वो चेंज है। पिछली वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, उसमें देखना कि जो इसकी जो हेडलाइट और DRL थी ना वो चेंज थी, पर उस टाइम ये डिलीवरी के लिए जा रही थी तो कुछ जो है डिले हो गया, तो इसलिए दोस्तों जो हेडलाइट है वो चेंज कर रखी है। जो वही स्टॉक में जो हैलोजन बल्ब बेस्ड जो हेडलाइट आती है वो देख सकते हैं इस टाइम जो गाड़ी में। तो प्रीवियस वीडियो में देखना, यानी पिछली वीडियो में देखना, उसमें अलग ही एक अट्रैक्टिव मस्ती जो है जो हेडलाइट है वो जो है इंस्टॉल कर रखी है। तो इसके दोस्तों ए टू जेड चीज़ों के जो एक्सेसरीज जो है इसमें इंस्टॉल हो रही है उसके प्राइसिंग बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गाड़ी के बारे में बता देता हूँ, ये दोस्तों है पेट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 4x2 रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है। तो ओवरऑल लुक देख सकते हैं व्हाइट कलर में, जिसका दोस्तों बेसब्री से सभी को इंतजार था, स्टॉक यार्ड और शोरूम है गाड़ी देखने के लिए नहीं मिल रही थी, पर दोस्तों अब जो है धीरे धीरे अवेलेबल हो रही है दोस्तों शोरूम में भी गाड़ी। तो यहाँ एक बार मैं दिखा देता हूँ, 2 लीटर का इंजन आता है, एम स्टेलियन इंजन है, TGDI 150 BHP, जो कि 150 BHP और 300 Nm का जो है टॉर्क निकाल के देता है। तो ये ओवरऑल देख सकते हैं गाड़ी के लुक कुछ इस तरीके की है। तो और साइड से लुक देखोगे तो साइड से देख सकते हो कुछ तरीके ऑफ। चलिए उसको मैं आपको जो है एक एक चीज़ है जो एक्सेसरीज है वो आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप दोस्तों प्राइसिंग वगैरह और जो जो एक्सेसरीज गाड़ी में इंस्टॉल हुई है वो सारी जो चीज़ें देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं ऑप्शनल एक्सेसरीज पैकेज है थार का। फर्स्ट में देखोगे तो 70 फ्लोर मैट जो है इंस्टॉल हुए, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, तो उसके प्राइस देख सकते हैं उस तरीके से। मैं जो मैं आपको जो है दोस्तों थोड़ी देर जो है कैमरा इस पे जो है रख देता हूँ, आप पुश करके जो ए टू जेड चीज़ों की जो है जानकारी ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रंट रो आर्मरेस्ट किट जो है और फ्रंट ग्रिल क्लाइडिंग वगैरह थार जनरेशन, फ्रंट रियर मड फ्लैप और रेन वाइजर्स वगैरह, रेडिएटर प्रोटेक्टर प्रोटेक्शन गार्ड किट है और पियानो ब्लैक मिरर है जो कि आपको दिखाऊंगा आगे, और टेल लैंप्स हैं और रियर रिफ्लेक्टर लाइट है थार की जनरेशन की। तो आप देख लेना दोस्तों पुश करके, टोटल जो ग्रैंड टोटल है 56,730 रुपये की जो है प्रॉपर जो है एक्सेसरीज है जो गाड़ी में इंस्टॉल की जा चुकी है। तो आप देखिए दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि गाड़ी में कौन कौन सी जो एक्सेसरीज है वो शोरूम से इंस्टॉल की गई, यानी कि जो है स्टॉक में नहीं आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ग्रिल से ही देख लीजिए, ये जो है लाइट जो है ब्लिंक होगी जैसे ही आप लॉक अनलॉक करते हो, जैसे जैसे मैं दोस्तों अनलॉक करता हूँ तो उस तरीके से जो है जलती हुई दिखेंगे। तो यहाँ देखिए जलती हुई किस तरीके की लग रही है, तो काफ़ी एक बेहतरीन लुक दे रही है गाड़ी को, ठीक है। ये एक तो ग्रिल है, ठीक है, इसमें ये चेंजेस है। और साइड में देखोगे तो ये देख सकते हैं जो ब्लैक या ORBM से ब्लैक पियानो फिनिश दी गई है, तो ये देख सकते हैं इस पर जो है मैट ब्लैक में आता है स्टॉक में, तो ये चेंज है। और ऊपर देखोगे तो रेन वाइजर जिसे हम डोर वाइजर भी बोलते हैं, तो वो देख सकते हैं दोस्तों महिंद्रा जैमन जो है इंस्टॉल करा रखा। तो ये है साइड से, और रियर में चलते हैं दोस्तों, रियर में थोड़ा सा चेंजेस है। तो रियर टेल लाइट देख सकते हैं प्रॉपर चेंज है, तो ये देख सकते हैं रियर प्रॉपर जो है रियर टेल लाइट जो है चेंज है। और वहीं रियर रिफ्लेक्टर देखोगे तो वो भी LED बेस जो है चेंज किया है कर रखे हैं, तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं जलेंगे। तो एक बार DRL देख सकते हैं, और जो रियर रिफ्लेक्टर और जो टेल लाइट्स है ना अनलॉक करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं किस तरीके से जलती हुई दिखने वाली हैं आपको, काफ़ी एक बेहतरीन और एक अट्रैक्टिव लुक देने वाली है, ठीक है। तो चलिए अब अंदर लेके चलता हूँ, अंदर में क्या क्या जो चीज़ें हैं, तो ये देख सकते हैं दोस्तों अंदर कुछ इस तरीके का जो सिस्टम रहने वाला, डेडिकेटेड आर्मरेस्ट है ना वो भी जो है गाड़ी में इंस्टॉल कर रखा है, ये भी दोस्तों एक्सेसरीज का पार्ट है। तो कुछ इस तरीके का देख सकते हैं, इसे आप यहाँ करके आगे पीछे कर सकते हैं, कुछ स्पेस मिल जाता है आपको, ऐसे खोल के बंद भी कर सकते हैं, तो पूरा देख सकते हैं रिक्लाइले वाला, तो ऐसे करेंगे तो बंद है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ऐसे तो मैंने इस गाड़ी की पूरी जो डिटेल वीडियो बना रखी है प्रीवियस वीडियो में देख लेना, पर मेरा दोस्तों आज जो मेन मोटिव था वो था कि जो कमेंट आ रहे थे वीडियो में कि प्राइस क्या था, तो प्राइस दोस्तों लिस्ट मैंने जो है दिखा दिया, आप पुश करके देख लेना सारी जो चीज़ों का जो प्राइस है, यानी कि जो ए टू जेड चीज़ों का जो प्राइसिंग है वो मैंने दिखा दिया। तो एक बार इंटीरियर की दोबारा से बात कर ले, तो ये देख सकते हो उस तरीके से जो है 2 लीटर की इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ दोस्तों गाड़ी आती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो ये देख सकते हैं 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपके सामने, की वगैरह की मैंने दिखाई दी थी पहले, कुछ इस तरीके के मिलते हैं। एक आपको जो है टिपिकल इसमें रिमोट की मिलेगी, एक आपको जो है इसमें डैड की मिलेगी, यानी कि जो है उसमें बटन वगैरह नहीं मिलेंगे, इसमें आपको जो बटन मिल जाते हैं फ्लिप की आपको जरूर देखने के लिए मिल जाती है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे सिस्टम, और यहाँ देख सकते हैं आपको जो है जो सारी चीजें हैं ब्लैक पियानो फिनिश में मिलने वाली हैं, जो कुछ ऐसा है इंटीरियर थार का। और नीचे देखोगे
तो आपको एक यूएसबी पोर्ट, तो हाँ एक यूएसबी पोर्ट मिल जाता है और एक ऑक्स के लिए, ठीक है, और एक 12 वॉट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है, ठीक है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और पेट्रोल में है, तो ऐसा है कुछ सिस्टम। दो आपको जो है पावर विंडो मिल जाती है, सीट वगैरह आपने देख ली, रियर से कुछ ऐसा है ओवरऑल लुक। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बाहर, ज़्यादा लंबी वीडियो होने नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों जो मेन जो टॉपिक था, मेन जो मोटिव था वीडियो बनाने का, वो था कि दोस्तों गाड़ी की जो एक्सेसरीज हैं वाइट थार में कैसी जो है इंस्टॉल करा रखी है और इसकी जो क्या है प्राइसिंग रहने वाली है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको जो है इस पर लेके खड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों सारी जो ग्रैंड टोटल देख सकते हैं 56,730 रुपीज़ जो है प्रॉपर जो है सारी एक्सेसरीज का ऑलमोस्ट प्राइस है। तो इसमें से दोस्तों जो और जो चीज़ें थी वो हटा दी हैं, आप एक बार प्रीवियस वीडियो में चले जाना, मैं जो लिंक है यानी कि जो आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूँ ऊपर देख सकते हैं। तो DRL वगैरह इसमें नॉर्मली यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिकेटर के ऊपर आती है जो कि हॉरिजॉन्टल बेस्ड है इंडिकेटर, और जो DRL है LED बेस्ड है। पर जो इसमें कर रखी दोस्तों इंस्टॉल जो हेडलाइट है उसमें जो प्रॉपर जो LED बल्ब थे और राउंड में जो DRL थी वो जलती हुई क्या बेहतरीन लगती थी। तो एक बार देखिए प्रीवियस वीडियो में। तो ये है कुछ सिस्टम थार का व्हाइट कलर में दोस्तों, एक बार फिर से देख सकते हैं ऐसा है, देख सकते हैं इस साइड से देखो तो जो अब जो टेल लाइट्स हैं वो देख सकते हैं और रियर रिफ्लेक्टर, ठीक है, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो ऑटोमेटिक की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, अगर थोड़ी सी दोस्तों आपकी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।